जैन दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर यदि ये कहा जाए कि पटवारी भर्ती परीक्षा स्टूडेंट्स के लिए एक मजाक बन के रह गई है, या फिर ये बोलो कि स्टूडेंट को एक मजाक समझ रखा है इस आयोग ने, इस संस्था ने, जो ESB के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, जिसे हम व्यापम भी कहते हैं। पहले व्यापम था, घोटाला करने के बाद नाम चेंज किया, अब ESB हो गया, ठीक है। लेकिन अब फिर से घोटाले किए, अब दूसरा नाम चेंज करेगा, ठीक है। इनको सीधे सीधे यहाँ पर नाम रख लेना चाहिए कि यहाँ पर ये जो विभाग है इसका नाम है फर्जीवाड़ा विभाग, ठीक है। क्योंकि अभी तक हर एक एग्जाम में लगभग यही काम हुआ है, और पटवारी में, पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सेकेंड यहां पर आपके सामने निकल के फिर से आ गया है, ठीक है। अब दूसरा फर्जीवाड़ा क्या हुआ, पहला तो आपको पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। और पहले वाले में आयोग ने क्लीन चिट भी दे दी, अब किस तरीके से जांच की वो सब कुछ हर किसी के ऊपर से गया, मतलब सब मतलब अपने समझ से परे है, ठीक है। तो इस तरीके से है। और बाकी अभी जो कांड हुआ है वो क्या है कि मेरिट लिस्ट में 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अयोग्य है, जो योग्य है ही नहीं, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, तो यहां पर देखें अयोग्य कैसे है, और ये सबसे बड़ा जो धोखा है ये किसके साथ में होगा, तो ये होने वाला है संविदा कर्मियों के साथ में, ठीक है। संविदा कर्मियों की अलग से पोस्ट होती है, 1316 पोस्ट अलग से संविदा कर्मियों की है, ठीक है। उनमें से 597 के लगभग कितने हैं, इतने उम्मीदवार क्या है, अयोग्य हैं, ठीक। अभी आपको पूरा दिखा दे रहा हूं, यहां पर देखना है और समझना है। आज के न्यूज़पेपर में आपने यदि पढ़ा होगा तो आपने पूरा जान लिया होगा सही तरीके से, लेकिन फिर भी यहां पर देखें, ठीक है। यहां पर यह लिखा है कि पहले रिजल्ट में गड़बड़ी, ठीक है, अब मेरिट लिस्ट तक पहुंचे अयोग्य उम्मीदवार जो योग्य नहीं। फिर आगे यहां पर देख लें कि पटवारी भर्ती संविदा कर्मियों की लिस्ट, मेरिट लिस्ट में 45% अयोग्य, 21 से 26 की उम्र में स्नातक, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट मान लो है तो 21 से 26 के बीच में क्या है, स्नातक, और 5 वर्ष का इसमें अनुभव भी ले लिया, ठीक। ये यहां पर कहानी है, तो इसके डिटेल में क्या है, बारीकी क्या है, अब यहां पर आपको समझना है आगे, ठीक है। अब यहां पर आगे देखना है कि एक स्टूडेंट मान लो से कि कॉलेज करता है तो उसको कितना टाइम हो जाता है, मतलब उसकी एज लगभग कितनी हो जाती है, ठीक है। ये लगभग जिन्होंने आपने किया है, सभी ने किया है, ठीक है, तो सभी को पता है कि अपनी एज कितनी होती है, जहां पर जाकर हम यहां पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और स्नातक कंप्लीट होता है, और स्नातक कंप्लीट होने के बाद में फिर 5 वर्ष का अनुभव लेना है, ठीक है। तो अब यहां पे कहानी आपको समझना है। देखो इसमें यहां पर बोला है कि गड़बड़ी लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें देख लो ध्यान से, ठीक है। गड़बड़ी 1316 पद संविदा कर्मियों के लिए थे, ठीक है, 1316 पद किसके, संविदा कर्मियों के लिए थे। अब 597 चयनित की जन्म तारीख 1996 के बाद की, ये है, अब यहां से मामला पूरा पकड़ में आया, ठीक है। तो 1996 के बाद की है, मतलब उनकी एज कितनी होगी, कब उन्होंने 12वीं की होगी, कब उन्होंने स्नातक किया है, और 5 वर्ष का अनुभव कब लिया होगा, ठीक है, ये यहां पर देखने वाली बात है। अब देखो यहां पर आगे, यहां पर इस पेपर में बहुत अच्छी तरीके से पूरा कैलकुलेट करके सारी चीजें दी गई है, ठीक है। पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद अब नियुक्ति से पहले भी फर्जीवाड़ा सामने आया, ठीक, फिर से दोबारा फर्जीवाड़ा सामने आ गया, अभी नियुक्ति हुई नहीं है, उससे पहले फिर ये फर्जीवाड़ा आ गया, तो इसलिए यहां पर लिखा मैंने पटवारी भर्ती फर्जीवाड़ा सेकेंड, ठीक। अब देखो आगे, अब यहां पर आगे लिखा है कि सब ग्रुप 2 और 4 में संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व 1316 पदों पर 597 अयोग्य उम्मीदवार का चयन हो गया है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, तो अब यहाँ पर आगे देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जो लिखा है उसको देखो थोड़ा ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर संविदा कर्मियों के लिए सभी के लिए 5 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है, कंपल्सरी है, जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे इसमें ये देखना है, लेकिन मंडल की मेरिट और वेटिंग लिस्ट में अधिकतर ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 1996 के बाद का है, ठीक है, और कई की जन्म तारीख 2003 तक भी है, 2003 तक जन्म तारीख है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे ऐसे में सवाल है कि 21 से 25 वर्ष की उम्र में स्नातक के साथ संविदा कर्मी कर्मचारी के रूप में अनुभव कैसे मिल सकता है, ठीक। तो ये यहाँ पर मामला है, और बाकी फिर आगे यहाँ पर देखें तो आगे यहाँ पर ये देख लो, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि मंडल ने सिर्फ पूछा कि संविदा पर काम किया है, अभ्यर्थी के कागज नहीं देखे। मंडल ने क्या पूछ लिया, सिंपल, कि आपने क्या यहाँ पर काम किया है, सामने वाले ने बोल दिया कि हाँ किया है, ठीक है, तो बस उसके बाद उनके कागज भी नहीं देखे, तो ये मामला है। अब इसके बाद फिर आगे देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखना है कि ESB के संचालक ने क्या कहा, ठीक है। ESB संचालक षणमुख प्रिया मिश्रा, ठीक है, षणमुख प्रिया मिश्रा ये भी संचालक है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, थोड़ा सा देख लें।
जिस किसी ने भी अपने आवेदन पत्र में संविदा कर्मचारी अंकित किया है उनका चयन संविदा कर्मी श्रेणी में किया जाएगा और उम्मीदवार के आवेदन पत्र के अनुसार ईएसबी परिणाम जारी करता है और आवेदन सत्यापन संबंधित दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग के स्तर पर होता है। ठीक है, इन्होंने ये यहाँ पर कहा है। और बाकी संविदा कर्मियों को क्या कहना है यहाँ पर, ये यहाँ पर देख लो। तो संविदा कर्मचारी बोले जो अभ्यर्थी सही है उनका अधिकार मारा जा रहा है। यहाँ पर सही बात है कि जो सही है, जो ईमानदारी से मेहनत किया है और जो योग्य है उनका अधिकार यहाँ पे मारा जा रहा है, और जो योग्य नहीं है 45% वो इसमें लिस्ट में आ गए। ठीक है, ये मामला है। अब इसके बाद फिर इसमें ये देखें कि नियुक्ति के लिए काउंसलिंग दो चरणों में होगी। पहले चरण में मैन सिलेक्शन लिस्ट में से नियुक्ति मिलेगी, पद खाली रहे तो वेटिंग से नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर ये दिया हुआ है और बाकी आप पूरा यहाँ पर वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये है पूरा मामला और बाकी इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको यदि पढ़ना है तो आज के दैनिक भास्कर के पेपर पूरा डिटेल में काफ़ी कहानी दी हुई है। ठीक है, अब पूरा इसमें पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इतना जरूरत नहीं है। अपना जो मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।